नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। यूपी के सियासी दंगल में आज का दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नाम रहा। मौका था उनके जन्मदिन का और इस मौके को मायावती ने विरोधियों पर जमकर वार करने का एक जरिया बना दिया। क्या बीजेपी, क्या एसपी और क्या कांग्रेस, तीनों ही विरोधी पार्टियों पर मायावती ने चुन चुन कर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर मायावती ने उनके परिवार और करीबियों को फंसाने का आरोप लगाया। यूपी की अखिलेश सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया और कांग्रेस के बारे में ये कहा कि ये पार्टी तो ऑक्सीजन के सहारे चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि मायावती के ये दावे, ये आरोप कितने दमदार हैं? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मौका था अपने 61वें जन्मदिन का और चुनावी मौसम में मायावती ने इस मौके को विरोधियों पर वार का जरिया बना लिया। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों मायावती के निशाने पर थे। मैं विरोधी पार्टियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लोग जो भी छोटा मोटा कारोबार पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं और यदि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार को इनके कारोबार में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही थी तो फिर ये लोग अपने अब तक के हुए आधे शासन काल में अभी तक क्या कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि सपा एक परिवारवादी व एक विशेष समुदाय तथा एक विशेष क्षेत्र की ही पार्टी होने के साथ साथ ये गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों की ही खास पार्टी मानी जाती है, जिसके कारण शुरू से यहाँ पूरे प्रदेश में आपराधिक, अराजक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज ही चलता रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत में वह ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ अपनी रथ यात्रा व खाट सभा आदि का भी खूब अभियान चलाया है, जिसमें प्रदेश की जनता को अनेकों प्रलोभन भरे आश्वासन भी दिए गए हैं। लेकिन मायावती यही नहीं रुकी। नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। नोटबंदी का ये फैसला लेने से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी व वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के काले धन को व उनके बड़े नोटों को भी पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। कभी अपने जन्मदिन पर नोटों की माला पहनकर बड़े विवादों में आई मायावती ने इस बार बेहद सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन ये बड़ा दावा भी कर दिया कि तीन राज्यों की जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। मैं इतना मायावती जी से कहूंगा कि मेरे ख्याल से एक बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी का ये आखिरी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। हमारा लोकसभा का चुनाव होगा तो बहन मायावती जी, हम एक एक दिन की एक एक पाई का हिसाब किताब देंगे, लेकिन आप पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। आपको इस बात का एहसास है कि आपकी जमीन नीचे से खिसक गई है। इस वार और पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी चुनाव में इस बार किसका पलड़ा भारी होगा। विकास का कार्ड चलेगा या फिर सोशल इंजीनियरिंग का दांव भारी पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। जी हाँ, और इसी पर बहस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान, एक खास पैनल। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह, बीएसपी नेता एमएच खान हमारे साथ हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनिला सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अनिला सिंह जी, वैसे तो आरोप सभी पर लगे, निशाना सभी पर साधा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो निशाना साधा गया वो आप पर, आपकी पार्टी पर साधा गया। क्यों इतना परेशान कर रहे हैं आप मायावती जी को? क्यों उनके परिवार, उनके ओ या फिर उनकी संपत्ति में इतनी दिलचस्पी आप लोग ले रहे हैं? अनिला सिंह जी,
देखिए, जब आपने ये कहा कि मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर नहीं, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मायावती जी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी उनके 61st बर्थडे पे और पूरी पार्टी को भी। और आपने कहा अभी इन्होंने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो पूरे टाइम अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीर चला रही थी तो ये अपने आप पे उत्तर दे जाता है कि वो अगर डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, तो क्यों घबराई हुई हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी जो है उनको इतनी कमजोर पार्टी नजर आती है, बिना किसी एजेंडा की पार्टी नजर आती है, तो वो क्यों इतना घबरा रही हैं? इस प्रकार के बयान क्यों दे रही हैं? नहीं, तो वो तो उल्टा ये कह रही है कि आप लोग घबरा रहे हैं और घबराकर आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आना चाहती है। नहीं, अनिला सिंह जी, वो तो ये कह रही है कि आप लोग घबरा, कि अभी तो खुलासा शुरू हुआ है, 104 करोड़ दिखाई दिए हैं ना, तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले क्यों नहीं दिखाई दिए थे फिर आपको? अभी तो पता नहीं अभी कितनी कितनी चीजें सामने आएंगी, यही घबराहट है। नहीं तो फिर ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? वो ये कह रही है चुनाव आते ही क्यों दिखाई देने लगेंगे? क्या कहा आपने? ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? चुनाव आते ही क्यों दिखाई देने लगता है? ऐसा नहीं, देखिए, ये तो समाजवादी जी, मैं बता रही हूँ केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में नहीं बैठी हुई। प्रदेश में बैठी हुई है समाजवादी पार्टी, जिसने बहुत सारे वायदे किए थे कि 2012 में सत्ता में आते ही हम बीएसपी के खिलाफ जितनी भी आपराधिक मामले हैं उनका खुलासा करेंगे और जेल में डालेंगे। पर अहो रूपम अहो स्वरम, वो बुआ ये भतीजे, और देखिए कैसी राम मिलाई जोड़ी है इन दोनों की। ये इनके लिए कहते हैं, झूठे झूठे वायदे करते हैं कि जब हमारी जोड़ी बता रही है, लेकिन वो तो ये कहती है कि एसपी और बीजेपी में फिक्सिंग हो गई है। चलिए मैं उस पर भी आऊंगी, अनिला सिंह जी, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन जूही जी बहुत मुस्कुरा रही है। जूही जी, क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आज आप। क्या तो आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसे छिपा रहे हैं आप? इमानी जी, एक्चुअली हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल को, लेकिन मैं अनिला जी को एक बात बताना चाहूंगी कि जो मायावती जी है, कुछ वर्ष पहले इनको इसी एजेंसी ने क्लीन चिट दी, इनकम टैक्स था उसमें इन्होंने फाइल किया था ट्राइब्यूनल से। अब आज मायावती जी अपने भाई को बचाने के लिए कह रही है कि इनकम टैक्स उनकी संपत्ति को ना देखे, इनकम टैक्स हमारे अंडर में नहीं है, और परिवारवादी हमको कह रही है अपने भाई को बचाने के लिए कह रही। वैसे उन्होंने किताब भी रिलीज की है जिसमें उन्होंने बताया है कि दलितों, पिछड़ों और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, लेकिन किताब की अभी कॉपीज लिमिटेड हैं। तो हम सब पढ़ना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का और दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों वर्गों के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया है। उस प्लान में भी हम आएंगे, उस प्लान पर भी हम आएंगे जूही जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पर परिवारवादी, सिर्फ परिवारवादी नहीं, वो तो गुंडों की पार्टी करार दे चुकी है आपकी पार्टी को। और क्या ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये क्या कमजोर कड़ी साबित हो रहा है? क्या कमजोर कड़ी बन गया आप लोगों के लिए? देखिए, मायावती जी के आरोप उनको लगाने हैं, वो विपक्षी पार्टी है, वो जो भी कहें, आज उनका दिन है, बर्थडे है, जन्मदिन है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सब माफ है। लॉ एंड ऑर्डर पे हम काम कर रहे हैं, सतत रूप से काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक आर्टिकल आज ही आया है कि हमारा डायल 100 कितनी सक्सेसफुल है और कैसे बहुत सारी महिलाओं तक भी हम पहुंच रहे हैं। तो इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। कोई भी इंसिडेंट अगर मेंशन होगा बीजेपी की तरफ से तो जरूर अनिला जी देख लेंगी कि कनेक्शंस कहां कहां चलिए हम उस पर भी आएंगे, लेकिन जो आज का दिन मायावती जी का, चलिए ठीक है, आज का दिन मायावती जी का है, खान साहब को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन जो आरोप लगे हैं उस पर एक एक प्रतिक्रियाएं तो जरूरी है और वो बनती भी है। तो राजीव त्यागी जी से भी हम यहाँ पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपकी पार्टी तो ऑक्सीजन पर चल रही है राजीव जी, ऐसा है क्या? सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की असीम शुभकामनाएं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, निश्चित रूप से वो जिस कार्य में लगी हुई है उसमें सफलता भी मिले उन्हें, यही मेरी मंगल कामना है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन यदि वो ये बात कहती कि उत्तर प्रदेश कहां तक पहुंचा है और उत्तर प्रदेश में कितना काम बाकी है, क्या मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ प्रलोभन देने की कोशिश की लोगों को। उत्तर प्रदेश या देश का चुनाव हो, हिमानी जी, मुद्दों आधारित चुनाव होना चाहिए, जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष से उत्तर प्रदेश को बाहर निकलना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस ये कहते हैं कि किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब, तो निश्चित रूप से एक बड़ा और बेहतर कदम है। 2,34,00,000 किसानों में से 2 करोड़ किसानों ने अपना हलफनामा दाखिल किया है कि उनका कर्जा माफ होना चाहिए। सर वो ठीक है ना, लेकिन ये बताइए ना, आपको तो ये कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आप सहारे चल रहे हैं, तो बताइए, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा ही है क्या? उन्होंने जो देखिए,
ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी नहीं चल पाता है। सुश्री मायावती जी भी जब शुरू सत्ता में आई थी आपने तो हामी भर दी, भारतीय जनता पार्टी के ऑक्सीजन से चली थी, भारतीय जनता पार्टी के ऑक्सीजन से चली थी, तीन बार भारतीय जनता पार्टी से ऑक्सीजन प्राप्त करके चीफ मिनिस्टर बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जाकर के गुजरात में ऑक्सीजन दे चुकी है। तो ये तो देखिए ऑक्सीजन सब एक दूसरे से लेते रहते हैं, समय समय की बात है, मतलब मान लिया आप नहीं ले रही है, सभी ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए बड़े खुश हो रहे हैं, खान साहब भी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन खान साहब जी जन्मदिन, लेकिन इस बात का जवाब जरूर दे दे जी जी कि जो भारतीय जनता पार्टी से ऑक्सीजन ली है उसमें क्या कहना है। अरे अभी तो यहाँ पर मायावती जी की बात हो रही है, आज उनका जन्मदिन है, आज उनका दिन है, तो उनकी बात करिए, आज उनकी बात करिए, कहाँ बीजेपी और कहाँ मायावती जी ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तीन बार सरकार बनाने के लिए ऑक्सीजन ली, ठीक है, तो उसमें क्या कहना है, क्या वो चौथी बार ऑक्सीजन लेंगी। खान साहब सुना आपने, अभी बताएंगे तुम, जी जी बताइए बताइए। अरे सुना हमने, जरा इनसे ये पूछिए त्यागी जी को ज्ञान है कि नहीं है, 1996 में ये ऑक्सीजन लेने हमसे आए थे कि नहीं आए थे, 1996 में ये ऑक्सीजन लेने आए थे, 125 दिया गया था इनको, इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, देखिए ज्ञान हर्जित करने का विषय है। अब देखिए आपके बारे में नहीं, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, अब जरा मेरी बात सुन लीजिए, पूरी मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, नेता को अरे पागल कमाल है तो बोल लीजिए, आप हम चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, आप बोल लीजिए, नहीं आप बोल लीजिए, अभी चुप हो जाते हैं, नहीं बोलिए खान साहब, आप बोल लीजिए, अभी चुप हो जाते हैं, गरिमा रखिए, नहीं नहीं बोलने, यही बोली? यही बोलने, यही बोलने, बोलिए खान साहब बोलिए, ये तब परेशान है, यही बोलने, बोलिए आप बोलिए खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि 1996 में चार सबसे बड़ी चीज है। त्यागी जी ठीक है, लौट रहे हम जी, खान साहब क्या हमने कह दिया आपको, आपको क्या कह दिया हमने, आपको नहीं, आप लोगों अगर हमसे मेरे मुंह से कुछ बात आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को डिबेट पे लाइव पागल कहा, तो चिंता का विषय है मेरे लिए कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा मेरे साथ, आप किसके साथ हैं, आप भाजपा के साथ हैं कि आप किसके साथ हैं, बताइए, इस बात से मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक लोगों के साथ जनता पार्टी के साथ है, और राजनीतिक प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के दो पहलू हैं, इस बात से कोई सरोकार नहीं है, दो पहलू हैं, मैंने ज्ञान की बात कही है, ज्ञान ले लीजिए, मैंने कहा ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान की बात नहीं, मैंने कहा ज्ञान ले लीजिए, चलिए ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान ज्ञान लीजिए, ज्ञान अगर आप ले लीजिए, आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ त्यागी जी, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 1996 में आपका बहुजन समाज पार्टी से तालमेल हुआ था कि नहीं हुआ था, नहीं बताइए, दूसरी बात, और हमने भारतीय जनता पार्टी से हमारा बहुत ऑक्सीजन ले ली, करिए सर, बहुत ऑक्सीजन से आपने ऑक्सीजन लिया नहीं, चलिए सर बहुत ऑक्सीजन ले रही है, मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर वापस आते हैं, अब भारतीय जनता मुद्दे पर वापस आते हैं, नहीं बात पूरी सुन भाई, देखिए अगर ये बात नहीं करने देना चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, ये इतना कमजोर क्यों अपने महसूस कर रहे हैं त्यागी जी, अगर इनको इनसे ये पूछ लीजिए कि अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ रहे हैं, हम दोनों चीजें बात बताना चाहते हैं, जो सवाल आपने किया मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी से हमने दो बार नहीं तीन बार समझौता किया, जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का एजेंडा लागू करना शुरू किया उसी वक्त हमने उसको इस्तीफा दे दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने का काम हमने किया। अरे यार ये आप बोलोगे तो हम नहीं, नहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं, हम नहीं बोलेंगे, गुजरात क्यों गई थी, नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप बीच में आप बोलते रहो, जवाब दीजिए, आप बोलते रहो, ये डिबेट के खिलाफ है, ये डिबेट के खिलाफ बोल रहे हैं, जब ये बात करते हैं हम नहीं बोले, हम जब बात करना चाहते हैं ये बीच में कूद रहे हैं, तो ठीक है सब अपनी अपनी बात रखेंगे खान साहब, ठीक है लेकिन ये बताइए, चलिए ठीक है आप नाराज मत होइए, लगता है केक नहीं पहुंचा अभी तक आपके पास, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आज बहन जी चलिए ठीक है ना, लेकिन ये बताइए कि आज बहन जी ये कह रही थी अभी 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 आपके पास तो केक भी नहीं होगा सर, हम तक तो नहीं पहुंचा स्टूडियो में, देखिए ऐसे ही बैठे हम, अब जब आप भिजवा देंगे तो जरूर पहुंच जाएगा, भिजवा दीजिएगा यहाँ पर, आपके आपके पत्रकार लोग
आपके जो सर मुद्दे पर चलिए मुद्दे पर आइए, ये बताइए, वो ये कह रही हैं कि हम शाही अंदाज में नहीं जन्मदिन अपना मनाते हैं, समाजवादी पार्टी का खास तौर पर नाम लिया, क्या दर्द बयां कर रही हैं क्या, क्या इस बारी वो उस तरीके से शाही अंदाज से नहीं बर्थडे अपना मना पाई, क्या ये दर्द बयां कर रही है मायावती बहन जी आपकी? नहीं, देखिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद वो बर्थडे मनाती थी और गरीबों में कुछ कंबल, कुछ फल, कुछ मरीजों को देना, ये सब वो नहीं कर पा रही, नोटबंदी की वजह से, और नोटबंदी का असर हुआ, लोग थे उनको सहायता पहुंचाती थी जी, नोटबंदी की मार पड़ी क्या, नोटबंदी की वजह से ये वो असर है? नहीं, नोटबंदी नहीं, आचार संहिता, अच्छा अभी भी उनके पास, हमारे पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सारे मरीजों को फल पहुंचा सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, लेकिन आचार संहिता लगी हुई है उसको नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। और हमारे जो दूसरे प्रदेश हैं जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां ये काम हो रहा है, वहां सबको पहुंचाया जा रहा है, गरीबों को, असहाय को, अपंग को, जो जिनको कंबल दिया उसे कंबल दिया जा रहा है, जिनको और दवाई दिया उसे दवाई दी जा रही है, जिसको फल दिया उसे फल दिया जा रहा है, ये सब बातें हैं। आप इसमें हर वक्त हर चीज में राजनीति नहीं होती है। नहीं सर, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, मैं क्या राजनीति इसमें करूंगी। चलिए तो चर्चा आज हम कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, आज उन्हीं का दिन है, आज उनका जन्मदिन है, लेकिन अपने इस जन्मदिन के मौके पर उन्होंने हर दल पर, जो भी उनके विरोधी हैं, उन पर जबरदस्त वार किया। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण जी भी हमारे साथ हैं। बद्री नारायण जी, आपने सभी की बातें सुनी ब्रेक से पहले, लेकिन ये जो आरोप है मायावती जी के, किस तरह से देखते हैं आप, कितना दमदार, कितना दम दिखता है आपको इन आरोपों में? सत्य है, एक तो वो ये जो कह रही हैं कि हमें ये जो बीजेपी और एसपी के मैच फिक्सिंग है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैच फिक्सिंग है, लेकिन मैंने ये देखा है प्रायः बीजेपी कहती है कि हमारी लड़ाई एसपी से, एसपी कहती है बीजेपी से है, कोई ये नहीं कहता कि हमारी लड़ाई बीएसपी से है, क्योंकि प्रसप्शन का फायदा बीएसपी को मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये मैं मैच फिक्सिंग नहीं कहूंगा, लेकिन ये डिस्कोर्स को एक खास तरह से स्ट्रेटेजिक रूप से प्लान करने की कोशिश है, और बीएसपी की जो जो सोशल साइट्स या उस पर अभी तक नहीं थी, अब वो आ रही है। अभी मैंने कल ही सुना कि आज ही मायावती जी ने शायद अपने सपोर्टरों को कहा है कि आप सोशल एक परसेप्शन बनाइए, क्योंकि नाउ अब पॉलिटिक्स सिर्फ एक ग्रास रूट पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, एक मोबिलाइजेशनल पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, एक परसेप्शन की पॉलिटिक्स भी हो गई है, और परसेप्शन परकुलेट करके नीचे तक जाता है। तो मायावती वो कोशिश अब शायद आप करें, देर है, लेकिन उनके लिए अच्छा ही है कि उनका एक आधार मजबूत है, और उस आधार पर अगर प्रसिप्शन जुड़ जाएगा तो लड़ाई बहुत साफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए एज किस में है, बीजेपी वर्सेस एसपी या बीजेपी वर्सेस बीजेपी? देखिए अगर आप सीधे देखें, जो हम लोग घूमते रहते हैं, जो हम लोगों को फीडबैक मिलता है, उसके अनुसार अभी तो इलेक्शन क्लियर नहीं है, इलेक्शन क्लियर होने में भी 15-20 दिन लगेगा, लेकिन अगर ऊपर से, अगर कहते हैं ना ऊपर से चीजों को समझा जाए, नीचे तक तो अभी कुछ भी बनने में समय है अभी, तो लगता है बीजेपी और बीएसपी की सीधी फाइट बनती नजर आ रही है। बीजेपी और बीएसपी की, आप कह रहे हैं सीधी फाइट बनती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी है प्रशिक्षण की लड़ाई में आगे है, लेकिन उनके अपने कंफ्यूजन इतने ज्यादा है कि वो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे वो करेंगे, ये समझने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये कहते हुए मैं एक राइजर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्शन बनने में अभी 15-20 दिन का वक्त, डिस्कोर्स बनने में इलेक्शन का, हालांकि नोटबंदी और ढेर सारी चीजें चल रही हैं। मायावती जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास ये सारा कुछ है लेकिन एक बड़ा डिस्कोर्स नहीं है, एक जो बड़ा मुद्दा, बड़ा मुद्दा जिसको कहते हैं, गिरता जा रहा है, खासतौर से 2014 के बाद से अगर हम बात करें, उस पर भी हम आएंगे। कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं शायद राजीव त्यागी जी, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं राजीव त्यागी जी। देखिए बहुत स्पष्ट है हिमानी जी कि उत्तर प्रदेश के अपने अलग से मुद्दे हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के ताल्लुक से, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ तो दिहाड़ी मजदूर हैं, 2.5 करोड़ करीब करीब 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो सबको देखने के बाद नोटबंदी के बाद जो असर आया है उत्तर प्रदेश में, आगरा का पेठा उद्योग, जूता उद्योग खत्म हो गया है, मिर्जापुर का कालीन उद्योग खत्म हो गया, बनारस का साड़ी उद्योग खत्म हो गया है, हमें वोट दो, उसे वोट मत दो, आपका वोट बर्बाद हो जाएगा, जनता की तो यहां बात ही नहीं हो रही है, मुद्दों की तो यहां कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने,
और निश्चित रूप से हिमानी जी मैं आईपीएन 7 चैनल का धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आपका जो चैनल है वो मुद्दों की बात करना चाहता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट, कांग्रेस के मुद्दे साफ हैं। जब हम किसान का कर्जा माफ करने की बात करते हैं तो 2 करोड़ लोगों का कर्जा माफ करेंगे। हम दिहाड़ी मजदूर को अगर बेहतर दाम देने की बात करते हैं तो मुद्दा ही है। हम लोगों का बिजली बिल हाफ करने की बात करते हैं। देखिए बिजली जो है ना उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ लोगों के पास बिजली कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन है, उनका बिजली बिल अगर आधा आधा होगा तो बेहतर होगा। नौजवान करीब 1 करोड़ नौजवान को 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद 1 करोड़ नौजवान को उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहिए। क्या रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है या आपकी कहना नहीं, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं ना बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन वो नहीं हुआ। मैं कहना चाह रहा हूं कि सभी सरकारों को विकास पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात ये काम बेहतर हुआ या नहीं हुआ, मोदी सरकार ने 30 महीने में अगर बेहतर काम किया होगा तो उत्तर प्रदेश में उनको जीत मिलेगी, और अगर समाजवादी पार्टी ने बेहतर काम किया होगा तो उनको जीत मिलेगी, और कांग्रेस के मुद्दे अगर समझ में आते होंगे लोगों को तो निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। हम तो मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं, हम जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करते हैं, स्पष्ट बोलता चाहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए क्या भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो चुका है? अगर हो चुका है तो क्या देशद्रोहियों को नहीं दिख रहा है? क्योंकि यह हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जिन्हें देख दिख रहा है उसे देशद्रोही भी कह दे। क्या अच्छे दिन आ गए हैं अंतरिक्ष से? अंतरिक्ष से चल के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या घने कोहरे की वजह से वो दिख नहीं रहे हैं? तो मेरा स्पष्ट मुद्दा यह है कि अच्छे दिन आने चाहिए लोगों के। जो मुद्दा आप उठाएं उसको मुद्दे को पूरा करिए, अपने मैनिफेस्टो को पूरा करिए। कांग्रेस ने 10 साल में राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, राइट टू फूड और सारे तरह तरह के मुद्दे दिए। अगर शिक्षित समाज ही विकसित समाज की रचना करता है। त्यागी जी, क्या आपको ये लगता है कि यूपी चुनाव में केंद्र के मुद्दे हावी रहेंगे? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से नोटबंदी और प्रधानमंत्री महोदय का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो 65 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री महोदय ने बिड़ला और सारा से लिए हैं, मुद्दा रहेगा। इतने बड़ा विषय है, पूरा गुड़ उद्योग, चीनी उद्योग बैठ गया है, किसान बैठ गया है, मजदूर बैठ गया है। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कुटीर उद्योग लगे हुए हैं, और देखिए कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये चिंता का विषय है। मतलब आप ये जो चीनी उद्योग रोजगार बोल चुके हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिला सिंह जी बताओ, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये उद्योग जो है रोजगार पे अनिला सिंह जी बता है, ये केंद्र की वजह से, ये केंद्र की वजह से हुआ। त्यागी जी एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि ये उद्योग, अनिला सिंह जी एक सेकंड, त्यागी जी आप ये कह रहे हैं ये केंद्र की वजह से हुआ है ये जो उद्योग डूब गए हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले 70 दिन में, पिछले 2.5 साल में नोटबंदी हुई है उसे 86%, ये 2.5 साल में। देखिए आप देखिए, अगर मैं आंकड़े देना शुरू करूं तो आप मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। श्रम ब्यूरो के आंकड़े के हिसाब से 2015 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र में बैठी 1,34,000 लोगों को रोजगार दिए। अगर उद्योग देखेंगे पूरे देश के तो उद्योग की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जोन में चली गई है। सरकार को मानती है 0.5% GDP ग्रोथ रुक गई है देश में। तो मैं कहना चाहूंगा किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई का कारोबार बैठा दिया। बिल्कुल जमीन पर लगा दी अनिला जी, महंगाई का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। केंद्र शासित जो सरकार है उसकी वजह से कारोबार जो है वो ध्वस्त हो गया है। बेहतर जीडीपी दी थी, त्यागी जी इतने आरोप लगाए, जवाब देने का मौका तो दीजिए। घोटाला करने वाले त्यागी जी इतने आरोप लगाए, सुन भी लीजिए। करने वाली पार्टी जेल में डालिए, जेल में डालिए ना, हम तो कहते हैं जेल में डाली जिन्होंने घोटाला किया। पहले तो मैं बता तो रही हूँ, निश्चित रही है कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता जिसने घोटाला किया हुआ है वो जेल में जाएगा। क्या प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी ये कह रही है कि 70 दिन में हमने इकॉनमी का, जिसने भी घोटाला किया है चाहे किसी पार्टी का हो, उसको जेल में डालिए। और नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के 34 नेताओं के पास नए नोट पकड़े गए हैं, बना दिया। जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लाकर खड़ा कर दिया, और आज ये बात कर रहे हैं, आज ये प्रश्न उठा रहे हैं। एक ऐसा आज के अखबार में, एक बाहर विदेशी अंग्रेजी अखबार में लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह पर सोनिया गांधी जो है बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। क्या है किसान और उनके घर से पूरी की पूरी पार्टी चलती थी। पाकिस्तान अरे शांत रहिए, यही कारण है कि कभी आपने इस देश की जनता की आवाज नहीं सुनी, केवल और केवल अपने स्वार्थ की आवाज सुनी, और उस स्वार्थ की वजह से
हमारा देश जो सोने की चिड़िया जाना जाता था, आप दोनों की लड़ाई में खान साहब बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारी इकॉनमी जो है बहुत ही नीचे चली गई, और आज आप बात कर रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री को जिसको विश्व ने स्वीकारा है, जिसको अमेरिका भी एडमायर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी एडमायर कर रहा है, और आज आप बात कर रहे हैं कि 70 दिन में इकॉनमी ठप हो गई। इसीलिए मुंबई में हम जीते हैं, इसीलिए चंडीगढ़ में हम जीते हैं, और इसीलिए फरीदाबाद में हम जीते हैं। इस देश की जनता हमारे साथ है। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, लेकिन इसीलिए आज आप अनिला सिंह जी है कि आप ऑक्सीजन पर जिंदा है। बिहार में स्टेपनी की तरह लटके पड़े हैं, कोई पूछता भी नहीं है आपको। लेकिन अनिला सिंह जी, जिस नोटबंदी की बात, अध्यक्ष को ये भी नहीं पता होता कि मनरेगा क्या है और एनआरएचएम क्या है। बेरोजगारी पे, किसान पे, महंगाई पे, महिलाओं पे, पाकिस्तान पे, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। पैनल पे बाकी लोग भी हैं, अनिला सिंह जी, राजीव त्यागी जी, यूपी में तो आप अनिला सिंह जी, देखिए बाकी लोग भी हैं पैनल में, आते हैं ना प्रधानमंत्री। देखिए अगर आप लोग इसी तरह से लगातार बोलते रहे तो फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, सॉरी गिना सकते हैं, नहीं सॉरी प्लीज। अनिला सिंह जी, देखिए बाकी पैनल में बाकी लोग भी हैं, देखिए आज तो हम आज मायावती जी का दिन है, आज उनकी हम बात कर रहे हैं, तो फिर अब ये कहाँ, ठीक है आप शांत हो जाइए, वो शांत हो गए, आप उनको प्रमोट कर रही हैं, नहीं ठीक है। खान साहब से मेरा सवाल है, सॉरी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आप दोनों का ही। खान साहब, कांग्रेस आप पर बड़ा बयान दे रही है, संदीप दीक्षित ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि ये जो चुनाव है आपका बीएसपी का, ये आखिरी चुनाव है। अरे किसी को कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों आखिरी चुनाव होगा? हमारे पास वोट नहीं है क्या? हमारे पास काम करने का तजुर्बा नहीं है क्या? किस बात का आखिरी चुनाव होगा? ये तो जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। देखिए अभी त्यागी साहब ने मुझे कहा कि इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को मैंने कुछ कह दिया, कहने लगे कि भाषा का ज्ञान रखिए। देखिए इनको समझ में नहीं आया कि हमको पहले उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया, सर अब देखिए उसका हमने जवाब दिया। नहीं सर, मुद्दे आज पर ये बता हैं। कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सुनिए, आज ये बता दे त्यागी जी, नहीं नहीं हम यही कहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है मुझे जो इनके जमाने में आई है, इन्होंने 1% भी उसका काम नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया। दलितों की सिर्फ, अब देखिए ये बोलेंगे, देखिए बोलेंगे, ये बोलेंगे, देखिए बोलेंगे त्यागी जी, आपको भरपूर मौका दिया गया, आप सुन तो लीजिए पहले, आज डाउन कर दीजिए इनको सुनने के आदि नहीं है, ये सुनने के आदि नहीं है, सही बात ये सुनते ही नहीं है, ये सही बात नहीं सुनना चाहते हैं। बिजली माफ, कर्जा माफ, यही एक लगाए बैठे हैं, दूसरा कुछ नहीं इनके मुद्दा। अच्छा सुनिए ना खान साहब, आप ये बता दीजिए, सबसे बेहतर मुद्दे हैं। खान साहब आप ये बताइए, आप ये कहते हैं कि आप इसे वोट देके, त्यागी जी ठीक है, आप ये कहते हैं कि एसपी को वोट मत दीजिए बर्बाद कर रहे हैं, बीजेपी को वोट मत दीजिए बर्बाद कर रहे हैं, पीएम मोदी का भी आप डर दिखा रहे हैं मुस्लिम्स को, ये बताइए कि आप कह रहे हैं हमें वोट दें, आपको क्यों वोट दें, क्या प्लान आपके पास है, ये तो बताइए ना, आपको वोट दें, आप कह रहे हैं उसे वोट ना दें, उसे वोट ना दें, आपको क्यों दें, क्या प्लान है आपके पास? देखिए मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ इस मामले में, अगर ये 2 मिनट की हमारी 20-30 सेकंड सुन ले हमारी। देखिए उत्तर प्रदेश की हालत जो आज है वो कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। 300 से 400 दंगे हो चुके हैं और बहनों की इज्जत लूटी जा चुकी है। विकास का मुद्दा आनन फानन में उद्घाटन हो रहे हैं, तो हमारा तो मुद्दा ही यही है, सब समाज का हित हमारे मुद्दे में है, सब जन हिताय, सब जन सुखाय, सब सब सबको साथ लेके चलना, सारे जात बिरादरी को साथ लेके चलना और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना। कानून व्यवस्था के मामले में बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो आप बताइए कितने दंगे हो गए। कानून व्यवस्था के मामले में अधिकारी जब भी फाइल लेके पहुंचते थे तो अपनी फाइल को पढ़ते पढ़ते रास्ते भर जाते थे। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही कह रही थी कि कमजोर कड़ी बन गई है क्या ये लॉ एंड ऑर्डर, लगातार सवाल उठते हैं।
कमजोर कड़ी हिमानी जी दो पॉइंट्स में रखूंगी। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि बीएसपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, थोड़ा सा महिला एम्पावरमेंट भी कर दे, टिकटों की संख्या बढ़ा दे, 5% 5% टिकटों दिया हमने, 5% हाँ तो बढ़ाया है ना, दिया नहीं दिया है, तो नहीं किया है, ठीक है नहीं तो नहीं किया, अगर आपको स्वीकार है। दूसरी बात ये कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अभी ये अफसरों के बारे में बता रहे थे, तो क्या मायावती जी अपनी फाइल पढ़ती भी थी कि अफसर खुद ही आदेश कर देते थे, सीएमओ के मर्डर जेल में हो जाते थे, महिलाओं की अस्मत सीतापुर में लौट जाती थी, इंजीनियर का अच्छा वो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता, सॉरी वो गैंगवार था, अच्छा वो गैंगवार जेल में, मेहरबानी जी वो गैंगवार था, ये दंगे दंगे कानून व्यवस्था था, दंगे ठीक है कानून व्यवस्था दंगे, देखिए महिला की अस्मत पूरे प्रदेश में जगह जगह लुटी, सीतापुर में लुटी, कोई अफसर नहीं गया, मायावती जी ने कही वो क्या कानून व्यवस्था था कि नहीं था, कौन सी जगह पे लिखी बता दीजिए आप, सर आप पता कर लीजिए, ये मेरा काम थोड़ी है, और अरे तो अब आपको भी तो आरोप आपने भी लगाए, तो अब आरोप आप पे लग रहे हैं तो जवाब तो आपको भी देना होगा ना खान साहब, क्या उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या वो आपके शासनकाल में नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला एनएचआरएम, एनएचआरएम घोटाला उत्तर प्रदेश का जेल भिजवा दिया हमने, एक एक जमीन कब्जा करने वाला एमपी आजमगढ़ का, ठीक है चलिए मैं माफी चाहूंगी, फिर तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई जमीन कब्जा करने वाला नहीं है, जी मुझे मजबूरी है, मैं लौटूंगी इसी मुद्दे पर, ये जो 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 मुद्दा है यहाँ पर इसी मुद्दे पर हम लौटेंगे। तो बहस हमारी लगातार जारी है और सीधे अब मैं बद्री नारायण जी को इस चर्चा में एक बार फिर से शामिल करना चाहूंगी। बद्री नारायण जी, आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेन चिंता है मायावती जी की वो क्या है, क्या ये करो या मरो का जो चुनाव है वो है इस बार का मायावती जी के लिए, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार ग्राफ गिरा है, ये एक मेन चिंता है। बिल्कुल सही कह रही हिमानी, मायावती जी के लिए ये चुनाव करो और मरो का ही चुनाव है, क्योंकि 2014 में उनका हालांकि उनको वोट शेयर उनके अच्छे थे, उनका दलित आधार बहुत नहीं खिसका था, थोड़ा बहुत खिसका हुआ था, लेकिन जो जो जहां क्राइसिस है वो ये है कि एड ऑन कहां से हो रहा है, यानी आपका बेस अगर बचा भी है तो उस पर कौन दूसरे समूह आके आपको वोट देने जा रहे हैं, जैसे उनकी सोशल इंजीनियरिंग में पहले ब्राह्मीण शामिल हुआ, उसके कारण उनको वीजे मिली और भी जातियां शामिल हुई, तो इस बार ये देखना है कि मायावती के साथ जुड़ने कौन जा रहा है, और अगर इसमें अगर मायावती सफल नहीं हुई तो गई, और अगर सफल हुई तो फिर तो जाए जाए, और जुड़ने कौन जा रहा है ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी लोग जो हैं अलाइक मतलब ठीक है गठबंधन करते हैं, लेकिन यहाँ हम मायावती को नहीं देखते हैं किसी से कोई गठबंधन करते हैं। मायावती जी का एक बहुत ही पिकुलियर है बीएसपी पॉलिटिक्स के लिए, खान साहब शायद जानते होंगे, वो ये है कि वो कहती है कि हम पोलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम समूहों के साथ अलायंस करेंगे, हम जातियों के साथ अलायंस करेंगे, ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो कास्ट वो समाज को एक जाति का समुच्चय मानते हैं। आपकी बात पर खान साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, एक बात और कह दूं कि ये जो तो उसमें अभी जो है उनका जो दलित मुस्लिम अलायंस वाला जो वो एक तरह का एक अलायंस ही है, बट नॉट विद पॉलिटिकल पार्टी, विद कम्युनिटी। ये मुस्लिम्स की जो आपने बात की वो तो बहुत जरूरी भी है रिवाइवल के लिए उनके लिए। खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। खान साहब नहीं, मैं ये कह रहा था कि 2014 के चुनाव में हमको एमपी भले ना एक मिले हों, लेकिन पूरे देश का जो वोट का परसेंटेज है हम थर्ड पे हैं, हमारी हमारा परसेंटेज वोट का परसेंटेज थर्ड पे है, हम थर्ड लेवल पे हैं, और बाकी पार्टियां कांग्रेस सेकंड पे, बीजेपी फर्स्ट पे है, मैं थर्ड पे हूँ, समाजवादी पार्टी का वोट का परसेंटेज हमारा कहीं नहीं गिरा, हमारा बड़ा है खान साहब, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा था, आलोचनाओं का स्वागत करना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि कैसे आगे बढ़े, जो इतना था और इतने थाए में रहने से दिक्कत होती है। जी जी, यहाँ तो इन्होंने घोषित ही कर दिया फर्स्ट नंबर पर ये रहने वाले हैं, सेकंड पर ये, तो क्या देख रहे हैं आप, आपको तो कहीं रख ही नहीं रहे। पार्लियामेंट के चुनाव में कहा मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में कहा, आपने तो अभी भी बता दिया कि आगे क्या रहने वाला है, आपने तो आगे भी बता दिया, पार्लियामेंट के चुनाव में जी
जी जी नहीं नहीं मैंने पार्लियामेंट के चुनाव कहा गलत अर्थ में चलिए ठीक है पार्लियामेंट के चुनाव में मैंने कहा कि मैं थर्ड बता मेरा वोट बढ़ा है मेरा घटा नहीं है हिमानी जी हमारी तो सीधी सादी पार्टी है अपने काम पर हम चुनाव लड़ेंगे मुद्दों चाहे समाजवादी पेंशन हो कन्या है कि पिछले कुछ महीनों से जो जलेबियां बन रही है हां जी 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 अब उसी का निष्कर्ष कल निकल आए तो हम चुनाव प्रचार में आगे बढ़े हमारा घोषणा पत्र तैयार है मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए थे मुद्दों को लेकर फिर जाएंगे और अपने रिपोर्ट कार्ड पे जनादेश लेंगे ये कल कब आएगा ये हम सभी को इंतजार है क्योंकि हर बार ये लगता है कि अब ये कल शायद आ चुका है लेकिन वो कल आ ही नहीं पा रहा है आज गेंद हमारे पास नहीं चुनाव आयोग के पास है इसलिए कल फैसला आ जाना ठीक है जरूर और जी 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 राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव जी देखिए हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मैंने मुद्दे बता दिए हैं कांग्रेस पार्टी के कि किन मुद्दों पे हम चुनाव में जाएंगे उत्तर प्रदेश पे और हमारे लिए बहुत बहुत ही गंभीर चुनाव है उत्तर प्रदेश और करो या मरो की जो बात आप कह रही थी मायावती जी के लिए वो मोदी जी पे सेट बैठती है मोदी जी की नोटबंदी स्वीकार करो या फिर मरो ये इतना या उनके भाषण स्वीकार करो या मरो तो निश्चित रूप से मोदी जी करो और मरो के नारों को प्रस्ताव कर रहे हैं लेकिन मायावती जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार जूते मारो उनके चार तो ये कौन सी सोशल इंजीनियरिंग है ठीक है ना जब काम निकल गया तलवार से जब काम निकल गया तराजू से जब काम निकल पर गया आप बताइए ना दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है मेरे लिए शिक्षा चिकित्सा रोजगार रोटी और किसान मजदूर महिला ये मुद्दे हैं मेरे लिए जातीय विद्वेष धार्मिक विद्वेष मुद्दे नहीं है खान साहब कहना चाह रहे हैं इस पर कुछ खान साहब त्यागी जी को फिर मैं बताना चाहता हूँ उत्तराखंड में इनकी सरकार जा रही थी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमने उनका साथ दे दिया था नहीं कहा था नहीं दिया था साथ जा बता दें जूते मारो ये बता दें जो भी तिलक ये बता दीजिए पहले आप कह देते कि आपका साथ नहीं चाहिए मुझे आप कह जो देते क्या आप बाबरी मस्जिद गिराने वाले आप हो ताला खुलवाने वाले आप हो मुसलमानों का हिंदुओं का कब्जा करने वाले आप हो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है आप ताला खुलवाते हो आप राहुल गांधी जी जाकर हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं मजारों में जाकर ताला चढ़ाते हैं ये क्या है ये क्या है धार्मिक उन्माद नहीं है क्या है ये धार्मिक उन्माद नहीं है क्या है आप चर्च में जाते हो तो आधा घंटा लगाते हो मुसलमानों को जाते हो तो बंद में लगाते हो ये क्या है राहुल गांधी जी हमारे ठाकुर बताइएगा उन दलितों के लिए क्या करेंगे आप बताइए आप अकेले लड़ रहे चुनाव में कि सपा से मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिल रहे हैं कि अपना अलग चल रहा है राजीव जी जवाब तो दे दीजिए सपा सत्य कमेटी की रिपोर्ट आपकी 1% नहीं लगी त्यागी जी जवाब तो दे दीजिए अकेले लड़ रहे हैं अपने भरोसे लड़ रहे हैं एसपी के भरोसे खान साहब पूछ रहे हैं मैं नहीं पूछ रही आप अपने दम पर लड़ रहे हैं कि सपा से तालमेल कर रहे हैं चला बताइए अगर आप इतने मजबूत हैं तो अकेले लड़के दिखाइए दम होगा अकेले लड़के दिखाइए अगर इतने मजबूत है तो अकेले दम पर लड़के दिखाइए मैं तो अकेले दम पर लड़ रहा हूँ सुन लेते खान साहब सुन तो लीजिए दम पर लड़ रही है जवाब सुन लीजिए आज खान साहब बहुत गुस्से में हैं जी त्यागी जी हमारा बहुत प्रथम लक्ष्य है बहुत स्पष्ट कि नोटबंदी से जो चोट पहुंची है उत्तर प्रदेश के लोगों को और किसान का कर्ज माफ करना हमारा प्रथम लक्ष्य है क्या नोटबंदी के अलावा और कोई काम मुद्दे देना हमारा प्रथम लक्ष्य है नौजवान को रोजगार देना हमारा प्रथम लक्ष्य है मुद्दे तो गिना रहा हूँ और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे उत्तर प्रदेश में हम लोग बेहतर विकास कर पाए क्योंकि सड़कें बनेंगी शिक्षा के मंदिर बनेंगे चिकित्सालय बनेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बोलते हुए तो ये बताइए कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं आप त्यागी जी इस बार रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि सरकार बनाने जा रहे हैं चलिए मुबारक हो आपको बिल्कुल मुबारक जी 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 वाली जी जरा इसे पूछिए जी अकेले लड़ेंगे आपने आपने खान साहब की बात का जवाब नहीं दिया आप अकेले लड़ेंगे या फिर आप जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ खासतौर से अखिलेश खेमे के साथ जवाब नहीं दिया आपने खान साहब की बात ये जवाब दे देगा ये तो आप अखिलेश यादव जी से पूछिए और जूही जी बताएं कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं नहीं चाहते हम तो 3 सीट की तैयारी कर रहे हैं पूरा ऑक्सीजन आपको चाहिए वो कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं ऑक्सीजन आपको चाहिए हम तो ये कॉन्फिडेंट है हम तो कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो मुद्दे हैं सबसे बेहतर मुद्दे हैं पूरे प्रदेश के लिए क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा हिमानी जी कि किसान का कर्जा माफ हो नौजवानों को रोजगार मिले आपका आप नोएडा में रहती होंगी तो आपका बिजली बिल भी हाफ होगा आप कांग्रेस को वोट दीजिए
नहीं तो नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये बताइए आज तक क्यों नहीं हो पाया ये, और फिर क्यों नकार देती है आपको जनता यूपी की बार बार? सरकार ही कहाँ है 27, क्योंकि हमने जाती यही तो पूछ रही हूँ, क्यों नकार देती है बार बार फिर यूपी की जनता? क्यों नकार देती है फिर यूपी की जनता? में सब तरह के जाति के 27 साल का बनवास कैसे खत्म होगा? अभी भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कितने तराजू और तलवार जूते मारो इनके चार। अरे सर आप बार बार जूते पर आ जा रहे हैं, बार बार तलवार पर आ रहे हैं, क्या बनाएंगे? क्या आपके पास कुछ और बात नहीं बची है? अनिल सिंह नहीं नहीं अनिल सिंह जी भी कुछ बात करना चाह रही है। त्यागी जी सबसे देखिए पैनलिस्ट मुझे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया जाएगा तो क्या हम अनिला सिंह किस लिए बैठे? नहीं नहीं अनिला सिंह जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अन्याय क्या है ना, उसके लिए आपको एक बात कहना चाहूंगा, मुझे बोलने का समय कम दिया। मैं बिल्कुल रिएक्ट करना चाहती हूँ, राजीव जी से कहिए आप शांत रहे या इनको ऑडियो आप डाउन करें। ये अच्छा जोक था त्यागी जी, सबसे अच्छी बात मुझे एक ही लगती है जी। अनिला सिंह जी ठीक है जी, हिमानी जी मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस की मुझे बस एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो राजीव जी हो और उपाध्यक्ष राहुल जी हो, लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं कि चुनावी माहौल में जो इतनी संजीदगी है, सब लोग एक जो सीरियस माहौल होता है उसमें हंसी आ जाती है, तो कांग्रेस जो है एक प्रकार से यहाँ पर सब लोगों को हंसाने का काम करती है, तो दुआएं मिलेंगी उनको कि चलो कुछ और काम तो बचा नहीं है इनके लिए, तो एक जोकर बन के जो ये लोग हंसाते रहते हैं वो ये काम करते रहे। ठीक है इस प्रधान, अरे शांत रहिए, विदूषक का कार्य ये होता है कि बीच बीच में वो हंसाते रहे, तो वो कांग्रेस अपना कार्य बहुत अच्छा कर रही है, विदूषक बनकर विदूषक बनके कार्य अच्छा कर रही है। और हिमानी जी समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, बीएसपी जो है वो भ्रष्टाचार की मूर्त है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडा राज उसकी सीरत है, और कांग्रेस को तो हम कहीं दूर दूर तक काउंट ही नहीं करते। मैंने लेकिन मायावती जी तो ये कह रही है, लेकिन मायावती तो अनिला सिंह जी ये कह रही है कि आप समाजवादी पार्टी में फिक्सिंग हो गई है, ये बताइए क्या फिक्सिंग हुई है, क्या ऐसी डील हुई है जो मायावती बार बार ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में फिक्सिंग हो गई है? ये तो आप ही बता सकती हैं या जूही जी बता सकती हैं? बीएसपी वालों से और बहन मायावती जी से, बहन मायावती जी के पास ऐसी कौन सी सीक्रेट एजेंसी है या ऐसी क्या चीज है कि वो जो है बंद कमरे में बैठ कर जहाँ एक भी खिड़की ना हो वहाँ से बैठ कर संजय की तरह ये देख ले किसका किसका तालमेल हो रहा है? सपा और बसपा ऐसी पार्टियां हैं कि जो यूपीए को इन लोगों ने साथ दिया था जब वो सरकार जिससे कि ना गिर सके और जुड़कर पूरे देश को लूटा था, भ्रष्टाचार किया था, तो कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक ले और बसपा और सपा प्रदेश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता को ना तो भ्रष्टाचार चाहिए और न ही गुंडा राज चाहिए, इनको परिवर्तन चाहिए और अच्छे के लिए परिवर्तन चाहिए, और वो परिवर्तन केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कमल खिलेगा निश्चित रहिए परिवर्तन प्रदेश में, कमल गंदगी है वो हम साफ करेंगे इस प्रदेश को, जो है विकास की राह पर डालेंगे। जूही जी भी कुछ कह रही है, अरे जूही मायावती जी का क्या है खान साहब, ये है ना नारा की सबसे पहले करो मेरा विकास तभी तुम्हें तुम्हारा साथ, चलिए ठीक है जूही जी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। जूही जी कुछ कहना चाह रही है, आपने जूही जी पर आरोप लगाया है, जूही जी पर आरोप लगाया है तो जूही जी से जवाब भी ले लेते हैं। जूही जी फिर वही बात घूम फिर कर लॉ एंड ऑर्डर पर आकर अटकती है। देखिए ऐसा है कि ये कुछ अपनी पॉलिसीज बताएं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, हवा में मत बीजेपी बात करे, अहंकार मत युक्त हो, दूसरी बात ये बेहतर बता सकती हैं कि मायावती जी कभी इन पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं, ये क्यों कुछ लोगों को सिक्योरिटी देते हैं? ठीक है जी जी, कौन सा सबका साथ सबका विकास, हवा में मत बोलिए ना कैसे होगा, अरे भाई काम बताइए ना, आपके 73 साल कभी आप ठीक नहीं कर पाए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत बात बोलते हैं, कहते हैं माफी चाहूंगी जूही जी आपसे भी, अनिला सिंह जी आपसे भी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इस डिबेट में हमारी फिलहाल इतना ही।